सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? तो वह है सोना, जो लगभग 1 ग्राम जो है आपका सोने से 1 किलोमीटर लंबा जो है तार खींचा जा सकता है। तो जो ऑप्शन में दिया है उसके अनुसार जो है सबसे अधिक तन्य धातु जो है वो आपका सोना है। आगे है क्वेश्चन, कह रहा है 1 गैलन में कितना लीटर होता है? तो 1 गैलन में जो है 4.54 लीटर होता है। 1 गैलन में कितना लीटर होता है? तो 4.54 लीटर होता है। आगे जो है अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है केल्विन, यानी इंटरनेशनल सिस्टम जो है उसका, उसमें जो तापमान का जो इकाई है वो क्या है? केल्विन है। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है उसे क्या कहते हैं? वह कौन सा बिंदु कहलाता है? तो जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर मतलब गर्म होकर द्रव में परिणत होता है वह जो पॉइंट है वो उसे गलनांक पॉइंट कहा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, उसके बाद है सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था, तो सर्वप्रथम मानव जो है तांबे का उपयोग किया था। सोडियम धातु का संग्रह किस में करना चाहिए? तो सोडियम जो धातु है उसका संग्रह जो है मिट्टी के तेल में करना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है 3:8 के अनुपात को परसेंटेज में बदलने पर क्या आएगा? तो इसको कैसे, चलिए करके देखते हैं इसको कैसे करना है ना। 3:8 आप लोग सुन पा रहे हैं सब लोग? यस सर, सब सब सुन यस सर। इसको हम लोग बनाते हैं कैसे करेंगे है ना, और 3:8 के अनुपात को परसेंटेज में बदलने पर क्या आएगा, क्या उत्तर आएगा? तो ऑप्शन में देख रहे हैं आप लोग 37.5% आ रहा है, तो लेकिन कैसे आ रहा है इसको हम लोग करके देखेंगे है ना। तो सबको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। इसके बाद और परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे इसको हम, उससे गुना करेंगे। अब जो है परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब 100 ही होता है, इसलिए हम यहाँ 100 लिए हैं है ना। अब इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, चौका आगे है यानी कि 8 और 25 चौका 100 25 75/2 इतना आ रहा है। अभी यह क्या है, 3 में है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है परसेंटेज नहीं आ रहा है सर, नजर नहीं आ रहा है। नहीं सर, बहुत दूरी में। अब दिख रहा है या नहीं? यस सर, ठीक है, दिख रहा है ना। अब इसको फिर हम काटेंगे, 75/2 बराबर कितना आएगा? 37.5। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो वह करके देख लेगा अपना है ना, और आप लोग जब वर्कशॉप कैलकुलेशन का जब टेस्ट हो या क्लास करने जब बैठेंगे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठेंगे है ना। कॉपी और पेन जो है वह जरूर होना चाहिए आपके पास सर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं सर?
अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4:5 बराबर व्हाट परसेंटेज है ना, तो कितना आएगा 4:5 बराबर व्हाट परसेंटेज में निकालना है। तो देख रहे हैं यहाँ ऑप्शन दिया है 0.8 है ना, तो यह ऑप्शन जो है गलत है क्योंकि इतना नहीं आएगा। जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट होना चाहिए सर। 0.008 होना चाहिए। यस सर, लगता तो है। इतना नहीं होगा, यह सीधे जो है आपका 80% आएगा ना। 80 होगा सर, 80। क्वेश्चन, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है ना। क्वेश्चन जो है क्या कहना चाह रहा है, देखिए क्वेश्चन को समझेंगे। 4/5 = x%। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है 4:5 है ना इक्वल टू व्हाट, यानी कि 4 जो है 5 का कितना परसेंट होगा है ना। परसेंटेज में निकालने के लिए कह रहा है 4 जो है 5 का कितना परसेंटेज होगा यह पूछ रहा है। तो इसको हम लोग करेंगे जैसे में उसको किया था इसके पहले वाला। इसको मिटाते हैं। अब जो है यह क्वेश्चन नंबर कितना है, 1। ऐसे लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं। अब जो है कह रहा है परसेंटेज में, यहाँ चिन्ह दिया है परसेंटेज का ना, परसेंटेज का जब चिन्ह दिया है तो हम इसको, परसेंटेज का मतलब क्या होता है आपका 100 है ना, तो 100 को लिख सकते हैं यहाँ, 100 लिख सकते हैं। अब इसको हम काटेंगे, क्या होगा 20% जो है इसका आंसर आएगा। किसी को प्रॉब्लम इसमें, क्या जो आंसर आएगा वह 80% आएगा, यानी कि 5 का जो है 4 80% है ना। देखिए कोई हेजिटेशन है तो आप लोग पूछ सकते हैं इसमें। सब लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर। तो 4 जो है 5 का 80% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर मिलेगा ना सर? हाँ, 2 नंबर मिलेगा। आगे देखिए, 48% को दशमलव भिन्न में बदले, 48 है ना, परसेंटेज का मतलब 100 है ना। कह रहा है 48% को दशमलव भिन्न में बदले है ना, तो दशमलव भिन्न में मतलब दशमलव भिन्न में बदलना है, तो 48% है इसका मतलब हमको 100 को करना है, 100 में ना 48% है ना। यस सर। तो अब इसको जो 48% क्या करेंगे हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं इसको 0.48 ना होगा। हाँ, वैसे लिख सकते हैं ना। आगे जो देखिए, जब लिखेंगे तो इसको काटने चलेंगे हम है ना, जब काटेंगे तो कटेगा नहीं, चाहे जैसे भी काटे अभी काट जाएगा सर। या सर 48 क्यों काटेगा सर, पॉइंट बैठा दीजिए ना। हाँ, अगर हम यहाँ से जो है, यहाँ 48 है, यहाँ 100 है, अगर दो दो भी काटते फिर लाएंगे तो बहुत सारा हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 2 से काटे फिर 2 से काटे, जैसे यहाँ हो गया 24 फिर काटे है ना, यहाँ हो गया 50 फिर काटे, यहाँ हो गया 25, यहाँ हो गया 12 है ना, इस प्रकार से काटेंगे।
काट के फिर वही काम करना पड़ेगा, तो एक ही बार हम कर लेते है ना, यहाँ हो गया आपका 12, यहाँ हो गया 25, नहीं कटेगा है ना। तब क्या करेंगे इसको, यहाँ हुआ 0 पॉइंट, अब क्या करेंगे हम यहाँ 0 बैठाएंगे है ना, तो फिर 25 का तो आया यहाँ क्या आया 20। फिर हम क्या किए, 1 0 बैठाएंगे तो 25 आठ है 200, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। 25 आठ है 200, तो 0.48 जो है आंसर आएगा इसमें, जो है 0.0048 जो है वह आंसर हो गया, यानी कि एक जीरो इसमें नहीं रहेगा है ना, हम इस प्रिंट है यानी 0.48 जो है आंसर आएगा। तो फिर क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है 48% को दशमलव भिन्न बदलना है हमको, तो आपका जो है 0.48% जो है 0.48 जो है दशमलव भिन्न होगा किसका, 48% का है ना, 48% का जो है दशमलव भिन्न जो होगा 0.48। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं सर। आगे देखिए कह रहा है 72 का कितने प्रतिशत 9 है, 72 का कितने प्रतिशत 9 है ना, तो 72 का कितने प्रतिशत 9 है, तो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे हम कि 72 है उसमें का कितना परसेंट जो है कि 9 है, यानी 9 जो है 72 का कितने प्रतिशत है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग वैसे जैसे इसके पहले किए थे, मिटा दिया जाए, आगे जो है यहाँ जो है क्या पूछ रहा है, 9 जो है 72 का कितने प्रतिशत है, यहाँ 9 लिखेंगे, 9/72 लिख सकते हैं इतना, क्योंकि ये इसका किसका परसेंटेज पूछ रहा है 72 का है ना। अब क्या कहेंगे यहाँ हम 100 लिख सकते हैं, आप लोग को दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे है ना, इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, कैसे कैसे कर सकते हैं इसका कैलकुलेशन हम, ऐसे भी कर सकते हैं तो 9/72 ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, 8 बार नहीं सर 18 लिखे हैं, 18 सर 25 को 100 कर दीजिए, 8 ना होगा है ना, 72 कर सकते हैं। अब जो है ऐसे कर सकते हैं 9 × 2 = 18 है ना, अब 25/2 को हम काटेंगे 12.5 जो है एक्स में आएगा, परसेंटेज में आएगा है ना, 72 जो है सॉरी 9 जो है 72 का कितने प्रतिशत है पूछ रहा है, तो 12.5% जो है 72 का 9 है, कुछ कुछ को ऑप्शन गलती दे, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, हेलो आप लोगों में से किसी को कोई प्रॉब्लम, आंसर में प्रॉब्लम है सर, आंसर में प्रॉब्लम है,
हाँ बोलिए। वो 0.125 दिया जो सर। ओ वो जो है ना मिस प्रिंट है, या देखिए यहाँ 12 जो है 5 होना चाहिए, तो वो पहले 0 हो गया है। कभी देखिए टाइपिंग करने में मिस प्रिंट होता है, कभी कभी क्या होता है कि अपने से लिख लेता है, मतलब हम लोग 0 कुछ लिखते हैं या तो पहले लिख लेगा या बाद में लिखता है, इसी में मिस प्रिंट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 873 रुपया का 16.2/3% क्या होगा, है ना? 873 रुपया कितना है टोटल है ना, उसमें से 16.2/3% क्या होगा, मतलब 873 रुपया में से 16.2/3 का कितना आएगा, है ना? तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो मिटा दे। आठ सौ 73 रुपया है टोटल, कितना है आपका? 73 रुपया उसका जो है फिर 16.2/3 कितना आएगा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। हेलो हाँ सर, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको। अब जो है उसके बाद हम इसको फिर इस प्रकार लिख सकते हैं, 873 छोड़ दिया सर, जो 50 है ना, 50/3 है ना, फिर पूछ क्या रहा है परसेंटेज में, है ना? जब परसेंटेज में पूछ रहा है तो हमको लिखना होगा 100, तो 100 लिख सकते हैं इस प्रकार, 1/100 लिख सकते हैं। हेलो हाँ सर ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं? हाँ सर, इस प्रकार से तो लिख सकते हैं ना। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, है ना? तो कैलकुलेशन करेंगे, कैसे कैसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमको। 873 को 3 मरतबे काट दीजिए सर, 873 को 3 मरतबे में 291 291। हाँ वैसे भी काट सकते हैं, 1.455 सर। उसके बाद अब क्या करेंगे हम, इसका कैलकुलेशन करेंगे, है ना? आप लोग कैलकुलेशन करके बताइए तो कितना आ रहा है, 14,550। करेंगे हम 100 से भाग कर देंगे, है ना? 100 अभी हमारा बचा हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको जब काटेंगे काट दिए, और जब ये काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1.45 इतना आंसर आएगा, 4 1 pointer नहीं 1.45.5। कैलकुलेशन अगर जो है प्रॉब्लम है तो ठीक से देख लीजिए सर, नीचे 10 है ना सर, तो पॉइंट जाएगा तो 1.455 होगा ना, नीचे 10 बचा हुआ है तो 1.455 हो जाना चाहिए। सिंपली है यहाँ जो है, हाँ सही सही सर सही, 14,550 हाँ 14,550 है, उसमें 100 से करना आपको तो 1 जीरो कट गया, फिर 10 बच गया, 10 से करेंगे तो 145.5 आएगा। सही सही है सर।
किसी को कंफ्यूजन इसमें, मतलब ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया है? हेलो, ठीक है सर, आगे देखते हैं, है ना? आगे हम देखते हैं, कह रहा है 9 का कितना प्रतिशत 54 है, 9 का कितने प्रतिशत जो है वह 54 है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आप लोग ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, है ना? ले लिया है सर। इसको मिटा दे, और 9 का कितने प्रतिशत जो है 54 होगा, तो 9 तो कम है, है ना? 9 कम है और 54 क्या है, ज्यादा है, 600%। हाँ, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 54/9 क्या होगा, 100, है ना? क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100। अब इसको हम काटेंगे, 100% जो है होगा, यानी 9 का जो है 54 जो होगा वह 600% होगा। इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर कोई थोड़ा सा भी कोई हेजिटेशन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, है ना? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अलौह धातुएं निम्न में से होगी, तो इनमें से सभी जो होगा वह अलौह धातुएं है, जितना भी दिया गया है आपका सभी जो है आपका अलौह धातुएं है। अगला क्वेश्चन है, पर अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका, अश्व यदि अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है, जिनका आवाज आ रहा है थोड़ा म्यूट हो जाएंगे, तो देखिए क्या है कि ऑप्शन जो होगा विश्राम जरत्व, विश्राम जरत्व के कारण ही जो है अश्व एक बैग चलना शुरू कर दे तो अश्वारोही जो होता है यानी अश्व जो बैठा रहता है उसका गिरने का जो है बहुत ज्यादा जो है चांस रहता है। इसका जो कारण है वो है विश्राम जरत्व। अगला जो क्वेश्चन है, करें ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का मात्रक आप सभी लोग जानते ही हैं ऑलरेडी, ऊर्जा का मात्रक जो है वह जूल होता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, सब जहाज का स्तर क्या होता है, है ना? तो जैसे ही नदी में चलता हुआ जहाज जो है समुद्र में आएगा तो क्या हो जाएगा, उसका जो स्तर होगा थोड़ा और ऊपर हो जाएगा, है ना? सर समझ में नहीं आता। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आएगा तब जहाज का जो स्तर होगा वह थोड़ा सा और ऊपर उठ जाएगा, है ना? क्योंकि समुद्र का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से ज्यादा है, है ना? उत्प्लावन क्षमता जो है वह क्या है, उसका ज्यादा है, इसका कम है, इसलिए वह थोड़ा सा और ऊपर उड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है, को बनाना पड़ेगा।
एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च 4,980 रुपया हो तो उसकी मासिक आय क्या है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि कर आय मासिक आय का जितना टोटल आय है उसका उसका बचत कितना करता है 17%, है ना। तो टोटल कितना होता है, मान के चलिए टोटल 100% तो है ना। टोटल जो है मान के चलते हैं टोटल परसेंटेज उसका जो है 100 है ना। उसमें से वह बचाता कितना है 17%, है ना। 17% वह क्या करता है, टोटल बराबर कितना 100% बचत या सेव बराबर कितना 17%, है ना। तब वो खर्चा कितना कर देता है 83%, 83% 6000 आंसर था, 83%, है ना। अब जो है खर्च कर देता है वो 83%। तो इसको चलिए इसको मान के बनाते हैं। माना है टोटल आय बराबर क्या हो गया उसका 1 रुपया, है ना। टोटल जो है मासिक आय जो है मंथली इनकम जो है वो कितना है, मान लेते हैं हम 1 रुपया, और एक्स का जो है 83% बराबर कितना दिया है, एक्स का 83% 4,980 रुपया दिया है, है ना। यस, एक्स का 83% कितना दिया है 4,980 रुपया। अब जो है 4,980 रुपया दिया है तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको, है ना, 4,980 रुपया लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखिए, हेलो यस सर, तो एक्स बराबर क्या होगा, नीचे तो आप लोग को अब नहीं दिख पाएगा, दिखेगा थोड़ा सा नीचे करेंगे तो दिखेगा। एक्स बराबर क्या होगा 4,980 सौ, ऐसे हो सकता है। इसको जब उल्टा करेंगे ऊपर चला जाएगा ना, फिर सर 100/83 × 49 कर दीजिए। हाँ हो गया, ऐसे भी हो सकता है। अब इसको जो है इसका कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि 4,980 × 100/83 इसका कैलकुलेशन आप लोग कीजिए, हमको ही करना सर। तो सर नहीं सर, 83 मरतबे कट जाएगा, 49 80 है ना। हाँ ये 60 मरतबे कट जाएगा,
तिरासी अस्सी जो है 60 बार में कट जाएगा। यस सर, उसको फिर 100 से गुना कर देंगे तो 6000 आ जाता है। 48 15 15 18 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
75 फिजिक्स सुनना बैठेगा उसको, बैठेगा ये 60 बार में कट जाएगा टोटल। यस 60 बार में कटने के बाद क्या होगा, हम इसको कर देंगे 100 से बराबर, कितना आ जाएगा आपका 6000 आ जाएगा, यानी कि जो आंसर आएगा वह 6000 होगा, यानी कि टोटल आय कितना है उसका, जो हम लोग एक्स माने हैं उसका मान कितना आएगा 6000। Yes. आप लोगों में से किसको किसको समझ में नहीं आया, सबको समझ में आ गया? ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया? देखिए बिना हेजिटेशन के पूछ सकते हैं आप लोग, अगर कोई समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, अगर आ गया तो अच्छी बात है ना। फिर तो बता दीजिए सर। ठीक है देखिए क्या कह रहा है, शुरू से देखेंगे, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है। अब हमको नहीं पता है कितना कमा रहा है ना, कितना कमा रहा है, लेकिन उसका बचत जो है मंथली इनकम का जो बचत है वह 17% है ना। यदि उसका मासिक खर्च, और खर्च भी बता रहे हैं, मासिक जो खर्च जो है 4980 रुपया हो तो उसकी मासिक आय कितनी है, जो टोटल पैसा जो है वह कितना कमा रहा है, जिसमें से खर्चा जो जितना पड़ रहा है वह रुपया में दिया है 4980 रुपया, और जो बचत कर रहा है टोटल का परसेंटेज वह 17% बचा रहा है ना। तो हम टोटल का मान सकते हैं 100 है ना, टोटल का 100 मान सकते हैं, और 100 में से क्या करेंगे हम 17 को घटा लेंगे, तो कितना हुआ, जो 4980 रुपया जो है वह 83% है ना। आप लोग ड्रॉइंग नहीं कीजिए, लोग जो है ड्रॉइंग नहीं कीजिए, आगे देखिए। उसके बाद क्या करेंगे हम इसको, 100 में से 17 जब घटाएंगे तो 83 हुआ, और माना कि टोटल आय जो है इसको एक्स मान के बना लेंगे हम लोग, माना कि टोटल जो मंथली इनकम है वह एक्स रुपया है, एक्स का 83% कितना है 4980 रुपया। उसके बाद इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 83/100 लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना है 4980 रुपया, इस प्रकार लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसको फिर उल्टा करेंगे, यानी कि x को जो है हमको निकालना है, x इक्वल टू क्या करेंगे 4980 × 100/83। अब इसका कैलकुलेशन कर देंगे, जितना कैलकुलेशन का आंसर आएगा वही उसका आंसर होगा, तो हम इसको काट सकते हैं, यानी कि 8 × 6 = 48 सर, 8 × 6 = 48 और 3 × 6 = 18, यानी कि 80 हो गया, यह 48 8 × 6 = 48 60 बार में यह जो है कट जाएगा, 83 से 60 बार में जो है अपना 4980 कट जाएगा, तो 60 × 100 करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 6000 आएगा, जो ऑप्शन 6000 है। समझ में आया कि नहीं? हेलो, यस सर, आया सर। देखिए डायरेक्ट भी करते तो हाँ, डायरेक्ट भी करेंगे तो भी आ जाएगा,
डायरेक्ट पूरा गुना करके उसके बाद काट देना है तभी आ जाएगा, है ना। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, यानी कि कौन सा तापमान है जिस पे जल का घनत्व जो है अधिकतम होता है, वह 4 डिग्री सेल्सियस जो है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, है ना। तो प्रभावी जो, यानी कि पृथ्वी पर घोड़े के द्वारा जो पैर का जो है आरोपित बल लगाया जाता है, उसी के कारण वह आगे बढ़ता है। यानी कि आपका जो घोड़ा जो है पृथ्वी पर, यानी जो धरती है उस पर दबाव बनाता है और आगे बढ़ता है बल के कारण, आरोपित बल के कारण जो है घोड़ा जो है गाड़ी को खींचता है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, कह रहा है चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं,